नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्मिता शर्मा। आपको बता दें कि इस समय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री यानी उनका आदेशों का हवा हवाई करते नजर आ रहे हैं बैंक कर्मी। जी हाँ, खबर चाकसू से है, जहाँ पर बेरोजगारी वाले मजदूरों को लोन देने की सरकार ने घोषणा की है, जिसके चलते चाकसू में कुछ दिन पहले यानी यह घोषणा की गई थी कि बेरोजगारों को 18 प्लस से ऊपर वालों को 50,000 का लोन दिया जाएगा, जो एक साल तक के लिए रखा जाएगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि चाकसू में यह देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां पर 583 आवेदन किए गए, जिसमें से मात्र 7 लोगों को लोन दिया गया। और साथ ही यह नहीं, इसमें बैंक कर्मी सिर्फ एक दो बैंक के ही कर्मी मौजूद रहे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से राजस्थान सरकार की आदेशों को हवा हवाई करते नजर आ रहे हैं बैंक कर्मी। देखिए पूरी खबर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर सोमवार को 3 दिवसीय शिविर चाकसू नगर पालिका परिषद में लगाया गया था। शिविर में बैंकर्स की कुर्सियां ही खाली पड़ी नजर आईं, तो कहां से मिलेगा बेरोजगारों को लोन। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की पालना में इंदिरा गांधी शहरी की क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत क्षेत्र में शहरी निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर, अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुमार धोबी, मोची, मिस्त्री, रंग पेंट, नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो, बैंक के माध्यम से 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण का एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाना जाना था। लेकिन सोमवार को एक दो बैंकर्स के अधिकारियों को छोड़ के अधिकांश बैंकों के कर्मचारी नजर नहीं आए। इनका कहना है कि शिविर प्रभारी CEO रवि बैनीवाल अब तक 583 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4 आवेदन को निरस्त किए हैं व केवल 7 को ही बांटा है, जिनमें SBI बैंक ने 4 और बैंक ऑफ बड़ौदा व केनरा बैंक ने 1 को बांटा है। चाकसू कस्बे में इन 3 बैंकों को छोड़कर किसी भी बैंक ने अभी तक बेरोजगारों को लोन वितरित नहीं किए। साथ ही दिन भर बेरोजगार अपनी दिहाड़ी की छुट्टी पर बैंकों को चक्कर लगाते नजर आए। चक्कर लगाने के बाद पालिका आ रहे व बैंक वाले जानकारी नहीं होने की कहकर पल्ला झाड़ रहे, जबकि पालिका ने पूर्व में सब बैंकों को लिखित में सूचना दी है। इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।